महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे इन महापुरुषों की तस्वीर आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है, बल्कि 3000 वर्ग फीट में बनाई गई पांच महापुरुषों की 3D तस्वीर है, जो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए ताल ठोक दी है, जिसको बनाया गया है जनपद बाराबंकी के आर्टिस्ट सुमित वर्मा ने। चर्चा का विषय बनी इस पेंटिंग में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र शामिल हैं। बता दें कि आर्टिस्ट सुमित वर्मा जनपद में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी चर्चा है। उन्होंने अपनी इस पेंटिंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में सिलेक्ट कराने के लिए अप्लाई किया है। उनका सपना है कि ये पेंटिंग इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो, क्योंकि उनका ये आइडिया एकदम यूनिक है। मुख्य रूप से इनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे महापुरुषों का, तो बच्चों में भी एक ऐसा कुछ किया जाए कि बच्चों में समाज में अच्छा संदेश जाए कि हमारे महान लोगों ने, जिन्होंने देश की आज़ादी में और देश के लिए तमाम कुछ किया है, उन्हीं की वजह से हम लोग आज़ाद हैं। तो उनको भूलना बहुत गलत बात है, सब लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने कहा, सुमित जी को संपर्क किया, जिसे संपर्क किया कि सुमित जी आइए विद्यालय में, कुछ ऐसा कुछ किया जाए, कुछ बनाया जाए, महान विभूतियों को बनाया जाए ग्राउंड पे, तो बच्चे भी और समाज भी थोड़ा उनसे जागरूक होगा और अच्छा कुछ सोचेगा और अच्छा कुछ प्रयास, अच्छे जैसे इन महापुरुषों के रास्ते पे हम लोग बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि आर्टिस्ट सुमित वर्मा बाराबंकी के कोठी में स्थित HLV पब्लिक इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर 3000 वर्ग फीट में पांच महापुरुषों की 3D पेंटिंग बनाई है, जिससे वह काफी सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। इस आर्ट को बनाने के लिए सुमित ने पूरे 3 दिन और देर रात तक कड़ी मेहनत की है, तब जाकर ये सफलता उन्हें प्राप्त हुई, जिसे देखने के लिए अब लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। जी, ये मेरा अभी तक का 6ठा बड़ा आर्टवर्क है। मैंने इससे पहले जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का 2022 में कंप्लीट करा था, एंड उसके बाद में हमने जो है मुख्यमंत्री जब दोबारा योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, तो मैंने जो है उनके जीत के उपलक्ष्य में 3000 स्क्वायर फीट में कलरफुल पोर्ट्रेट तैयार किया था, और उसके साथ साथ में मैंने जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी 5000 स्क्वायर फीट में, जो कि हमारे रामचनेही घाट में कंप्लीट करा था। तो ऐसे कर करके हमारे जो है अभी तक का ये मेरा 6ठा आर्टवर्क है। बस यही कि पहली बात तो अपना जो काम है उसे अपने 100 देना चाहिए, उसमें कोई शॉर्टकट है नहीं। फ्यूचर में अगर सक्सेस होना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और रही बात हमारे इस क्षेत्र में, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो देखकर मोटिवेट हो रहे हैं कि हमें भी अगर उनके अंदर जरा सा भी टैलेंट है तो वो उस टैलेंट को लेकर सामने आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं बात रही हेल्प की, तो जैसे हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाए और हमें अपना आर्टवर्क वहाँ प्रेजेंट करने का एक मौका मिले, बस यही इतना है। बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्र में रहकर स्केच गुरु का खिताब हासिल करने वाले आर्टिस्ट सुमित कुमार वर्मा इससे पहले भी ऐसी चित्रकारी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर चुके हैं। सुमित वर्मा इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी विशालकाय स्केच बना चुके हैं। इसके साथ ही वह 2 अक्टूबर 2021 को 7500 वर्ग फीट में लाल बहादुर शास्त्री का पोर्ट्रेट चित्र बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।